हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल द सोलो ट्राइब्समैन में आपका स्वागत है। तो ये चैनल बेसिकली एक गेम प्ले का चैनल है जिसमें फ़िलहाल मैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का जो मोबाइल वर्जन है, आर्क मोबाइल, वो गेम प्ले करने वाला हूँ। आर्क सर्वाइवल एक एडवेंचर सर्वाइवल गेम है और जिसमें थोड़ी क्राफ्टिंग भी है, और इसमें आपको एक आइलैंड में स्पॉन किया जाता है डायनासोर के बीच में। तो आपको वहाँ पे खुद को बचा के खुद को लेवल अप करना होता है, वेरियस क्राफ्टिंग भी करनी होती है। ये गेम पसंद आएगा खासकर उन लोगों को जिनको एडवेंचर या क्राफ्टिंग और सर्वाइवल गेम ज़्यादा पसंद है। और इस गेम को मैं एपिसोड वाइज प्ले करने वाला हूँ, क्योंकि हर एक एपिसोड में हम कुछ नया एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। और इस गेम को समझना बहुत आसान है, तो जैसे जैसे मैं गेम प्ले करता जाऊंगा, अगर आप देखते हैं तो आप खुद से समझ जाएंगे, जिन्होंने ये गेम पहले खेला नहीं है या देखा नहीं है। पहले तो हमें अपने कैरेक्टर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, जो कि मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम अपने कैरेक्टर को आइलैंड में स्पॉन कर सकते हैं। तो अब हम आइलैंड में स्पॉन हो चुके हैं और यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट होगा, जहाँ पहले तो हमें कुछ बेसिक रिसोर्सेस इकट्ठा करने पड़ेंगे। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरी मदर टंग असमीज़ है, सो प्लीज़ बियर विथ मी। तो हम लोग का पहला जो परस्यूट है वो स्टार्ट हो गया है, जो कि है एक पिकैक्स बनाना है। तो इसके लिए हम थोड़ी टैच ले लेते हैं यहाँ पे, स्टोन और वुड जो है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो हमारी रिसोर्सेज कलेक्ट हो गई है, तो अभी हम अपना पिकैक्स जो है वो क्राफ्ट कर लेते हैं, जिससे हमको काफ़ी आसानी हो जाएगी नेक्स्ट रिसोर्सेज कलेक्ट करने में, और हमारी परस्यूट भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमारी पिकैक्स क्राफ्ट हो चुकी है, तो अभी हम दूसरी जो रिसोर्सेज है वो आराम से गैदर कर सकते हैं। तो पहले आज के एपिसोड में मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक अपने लिए छोटा सा प्लेटफॉर्म जैसा कुछ बना सकूं, जिसमें एक पोटेंशियल बेस लोकेशन जैसा कुछ। और यहाँ पे हमको अपना पहला लेवल मिल गया है, तो इसको हम एलोकेट कर देते हैं वेट में, क्योंकि अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है ताकि हम ज़्यादा रिसोर्सेज कैरी कर सकें। अभी हम झाड़ियों में से कुछ बेरीज़ और फाइबर जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। फाइबर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है इस गेम का, सो ये हमको झाड़ियों से मिलती है। ये लोकेशन जो है ये थोड़ा मुझे पसंद है ये लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे डेंजरस डायनासोर्स वगैरह नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि पहला जो बेस होगा, जो टेम्पोररी बेस होगा, वो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। कॉम्पिस का झुंड, ये डायनासोर्स काफी छोटे होते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा इनका लेवल कितना है। एक 150 लेवल का है, तो अभी ये देखना है कि ये मुझे पहले मारता है या मैं इन्हें पहले मार सकता हूँ। अरे शायद यही मुझे पहले मार देंगे, मेरी हेल्थ तो हाफ तक आ गई है। आपके प्लेयर की जो हेल्थ है या बाकी स्टैट्स है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नीचे। और चलिए, कॉम्पिस तो मर गए, फिलहाल इनसे हम थोड़ी मांस कलेक्ट कर लेते हैं। चले, एक और लेवल मिला। अभी इस लेवल को मैं कहाँ एलोकेट करूँ, थोड़ी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। अभी हमको जितने लेवल्स मिलते जाएंगे उस हिसाब से ये एनग्राम्स अनलॉक होते जाएंगे। तो अभी मैं लेवल 3 पे पहुँच गया हूँ, तो ये सारे एनग्राम्स मैं अनलॉक कर सकता हूँ। तो ये मैं अभी फ़िलहाल अनलॉक कर लेता हूँ, उसके बाद हम इनको क्राफ्ट कर लेंगे। तो पहले चलिए हम एक कैंप फायर क्राफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी वो कैंप फायर वाला परस्यूट स्टार्ट हो चुका है।
हमारा कैंप फायर क्राफ्ट हो चुका है। अभी हम एक कैंप फायर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं क्योंकि यहीं पे हम अपना बेस बनाने वाले हैं। और कैंप फायर में हम खाना कुक कर सकते हैं, जैसे कि मांस हो गया, मछली हो गया। और जो डायनासोर्स को मारने के बाद जो मांस मिलता है, हम उनको यहाँ पे कुक कर सकते हैं। तो हम थोड़ी मांस कुक कर लेते हैं। अब फिलहाल ये हैचेट और थोड़े कपड़े बना लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेस है। चलिए अब हम अपने प्लेयर को थोड़े कपड़े पहना देते हैं। अभी भूख भी लगी है तो थोड़ी मांस भी खा लेते हैं जो कि पक गया है। अब जंगल में चल के देखते हैं कोई छोटा मोटा जानवर मिलता है तो, जैसे कि ये डोडो। इससे हमको काफ़ी मांस और खाल मिल जाएगी जो और एक रिसोर्स है जो काफ़ी सारी चीज़ें बनाने में लगती है। तो यहाँ से हम थोड़ी हाइड और ये मांस ले लेते हैं और देखते हैं कितने और डोडोज मिलते हैं। इसी बीच हमको एक और लेवल मिला है तो अभी ये लेवल में डाल देता हूँ मिली डैमेज में, ताकि हमारी जो वार करने की जो ताकत है वो थोड़ी बढ़ जाए। चलिए अब हम थोड़े दूसरे इनग्राम्स भी खोल लेते हैं क्योंकि मेरा लेवल अप हो गया है। तो अब हम ये थेट्स फाउंडेशन लर्न कर लेते हैं जिससे हम अपनी बेस की फाउंडेशन बना पाएंगे। तो अब मेरी फाउंडेशन बन चुकी है तो मैं इन्हें प्लेस कर देता हूँ। तो हमारी पहली बेस की फाउंडेशंस बन चुकी है, अभी इसमें वॉल्स लगाने हैं। तो चलिए थोड़े वॉल्स क्राफ्ट कर लेते हैं फिलहाल। और ये अभी फ़िलहाल एक वेरी बेसिक सा बेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, थेट्स फाउंडेशंस लगा के और थेट्स वॉल लगा के। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे उसके बाद हम स्टोन पे जाएंगे या मेटल पेज भी जा सकते हैं बाद में। तो फिलहाल के लिए एक जस्ट एक बिगिनिंग बेस है तो एक थेच का बेस बना लेते हैं। तो मैंने एक स्लीपिंग बैग भी बना लिया है तो इसको फिलहाल मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो अब हम अपनी स्लीपिंग बैग में थोड़ी आराम कर लेते हैं, जिससे फ़ायदा ये होगा कि ये रात ढल जाएगी क्योंकि स्लीपिंग बैग में सोने से 4 घंटे आप फॉरवर्ड हो जाते हैं। चलिए सुबह सुबह थोड़ी हवा खा लेते हैं बाहर की। तो ये मॉस्चॉप्स कितने लेवल का है, 170। ये अच्छे लेवल का मॉस्चॉप है। तो यहाँ पे हम डायनो को टेम कर सकते हैं, डायनासोर्स को। तो यहाँ पे इसको पैसिव टेम करने के लिए हमको टिंटो बेरी खिलानी पड़ेगी और मेरे पास शायद टिंटो बेरी है। हाँ ये रही, अब देखते हैं। एक बेरी से 17%, मतलब कि 6 बेरीज मुझे इसको खिलाने होंगे। अभी पैसिव, अगर किसी डायनो को पैसिव टेम किया जाता है तो जब तक उनको भूख ना लगे तब तक रुकना पड़ता है। ये रही दूसरी बेरी, अभी और 4 बेरीज को खिलाने पड़ेंगे तभी अपना पालतू बन जाएगा। अरे वो क्या है, अच्छा डायलो।
इसका काम तमाम किए देता हूँ, नहीं तो ये मेरे टेमिंग प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम करेगा। लेवल 40 का है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मारने में। चलो हो गया इसका काम तमाम, अभी थोड़ा मांस ले लेता हूँ। ये खा लो लास्ट बेरी, और ये हम लोग का डायनो टेम हो गया है। तो अपना गेम का पहला डायनो हमने टेम कर लिया है और लेवल 254 का बन गया है। इस गेम की खासियत मुझे यही लगती है कि आप डायनोस टेम कर सकते हो, और जितने डायनोस आप टेम करोगे आपके काम में उतना ही हेल्प होता है, और उनके साथ आप गेम में ज़्यादा इजीली प्रोग्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको एक और लेवल मिल गया है, तो इसे भी फ़िलहाल हम मिली डैमेज में ही डाल देते हैं। और कुछ नए एनग्राम्स भी अनलॉक हो चुके हैं, जैसे कि ये मोटर पेसल एंड स्टोरेज बॉक्स। अरे वो क्या है, एक डेड पैरासोर। चलिए थोड़ा सा मुफ्त का मांस और खाल ले लेते हैं, इससे काफ़ी काम आ जाएगा। अब हम अपना बेस कंप्लीट कर लेते हैं, ये जितने भी वॉल्स बचे हैं ये लगा देते हैं, और एक डोर फ्रेम भी लगा देंगे, और साथ में एक डोर भी लगा देंगे जो मैंने बना लिया है। चलिए इस साइड में ही लगा देते हैं डोर। तो अभी मेरे बेस का जो पहला पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया है, अभी हम यहाँ पे सेफ है, कोई छोटा मोटा डायनासोर ये बेस अभी तोड़ नहीं पाएगा। अभी मैं फ़िलहाल एक स्टोरेज बॉक्स बना लेता हूँ, क्योंकि सामान रखने के लिए कोई वैसा जगह नहीं है फ़िलहाल। तो स्टोरेज बॉक्स बन जाएगा तो वहाँ पे हम अपना सारे सामान रख सकते हैं, और साथ में एक मोटर एंड पेसल भी बना लेते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी काम में आने वाला है आने वाले एपिसोड्स में। हमने अभी दोनों चीज़ें बना ली है, तो इनको अभी हम अपने बेस में प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स में आप अपना जितना भी सामान है वो सामान रख सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारा सामान। और मोटर एंड पेसल में काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि स्पार्क पाउडर और नार्कोटिक्स, ये सब बाद में हमको जितना भी हम प्रोग्रेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए अब हम अपनी मॉस्टॉप्स को थोड़ी बेरीज दे देते हैं ताकि वो भूखा ना रहे, क्योंकि डायनो ज़्यादा देर भूखा रहने से वो मर जाते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ, यह पहला एपिसोड। और मुझे मालूम है कि आज का जो वीडियो है ये इतना अच्छा नहीं बना है, क्योंकि यह मेरा पहला वीडियो है गेमिंग का। तो जहाँ कहीं भी फ्लॉज यहाँ पे है आप मुझे काइंडली कमेंट्स में बोलिएगा कि कहाँ कहाँ मेरे गलतियाँ हुई है, ताकि मैं उनमें सुधार ला सकूँ अपने आने वाले वीडियोस में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।